टॉपिक का, ओए टॉपिक का नाम है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। डालो भैया ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। क्या देखिए भैया, द फिनोमिना लाइक ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। ड्यूअल फिनोमिना लाइक द फिनोमिना लाइक इंटरफेरेंस कोमा डिफ्रेक्शन, इंटरफेरेंस कोमा डिफ्रेक्शन एंड पोलराइज इंटरफेरेंस कोमा डिफ्रेक्शन एंड पोलराइजेशन एक्सेट्रा कैन बी सेटिस्फाई वेव नेचर ऑफ लाइट। वेव नेचर ऑफ लाइट, वेव नेचर ऑफ लाइट कह रहे हैं, जो फिनोमिना थे ना ये लाइट के वेव नेचर को बता रहे थे। ठीक है, अगला देखिए। ऑन दी अदर हैंड द फिनोमिना लाइक अबे यार, अब भाई देख ले वहां साइड से। ऑन द अदर हैंड द फिनोमिना लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कोमा कम्प्टन इफेक्ट COMPTON, ये नहीं पढ़ना आपको, केवल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ना है। कोमा कम्प्टन इफेक्ट एक्सेट्रा कैन बी एक्सप्लेन ओनली इन टर्म्स ऑफ क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। ब्रैकेट में ना पार्टिकल नेचर, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट ब्रैकेट में पार्टिकल नेचर। फुल स्टॉप। दिस शोज दैट लाइट हैज अ ड्यूअल नेचर। दिस शोज दैट लाइट हैज ड्यूअल नेचर। दैट इज इट समटाइम बिहेव्स दैट इज इट समटाइम बिहेव लाइक अ वेव। लाइक अ वेव एंड समटाइम दैट इज इट समटाइम बिहेव लाइक अ वेव एंड समटाइम एज अ पार्टिकल। एज अ पार्टिकल, देखिए मैं क्या कह रहा, सुन लीजिए। कह रहा भैया, आपने लाइट में ही पढ़ा था डिफ्रेक्शन पोलराइजेशन इंटरफेरेंस, है ना। ये लाइट के वेव नेचर को बताता है, किसको बताता है, लेकिन अभी इस चैप्टर में हमने पढ़ा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ऐसी होता भी है कम्प्टन इफेक्ट, आप आगे पढ़ोगे इसको। ठीक है, हाँ तब आगे मतलब यहाँ पे नहीं पढ़ोगे, आगे की क्लास में पढ़ोगे। ठीक है, अगर पढ़ोगे तो ठीक है। तो ये जो दोनों एक्सपेरिमेंट है ये लाइट के पार्टिकल नेचर से ही एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। तो इसका मतलब लाइट कई कंडीशन में क्या होती है, वेव की तरह बिहेव करती है, और कई कंडीशन में पार्टिकल की तरह बिहेव करती है।
इसका मतलब आपके पास लाइट के पास क्या है भैया, दोनों नेचर है, समझ गया। इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या है भैया, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, समझ गया। आगे बढ़े, देखिए डी ब्रोगली डीई डैश, हाँ डी ब्रोगली डी ई डैश बी आर ओ ब्रो जी एल आई ई जी एल आई ई डी ब्रोगली, और ब्रैकेट में ना मैटर वेव, इसका सब टॉपिक है, ठीक है, डी ब्रोगली वेव और मैटर वेव, ठीक है, समझ गया। देखिए डी ब्रोगली ने एक बात बोली कि नेचर लव्स सिमेट्री, नेचर को हमेशा क्या पसंद है, सिमेट्री पसंद। जो चीज सिमेट्री नहीं होती, जिसकी सिमेट्री नहीं होती वो क्या होती है, एग्जिस्ट नहीं कर पाती, समझ गया। लाइट के पास भी सिमेट्री होनी चाहिए। लाइट क्या होती है, सुन लीजिए, लाइट का ड्यूअल नेचर है, कभी पार्टिकल कभी वेव, तो इसका मतलब पार्टिकल का भी ड्यूअल नेचर होना चाहिए, कभी पार्टिकल कभी वेव, समझ गया भैया, समझेंगे समझे मैं क्या कह रहा हूं। डी ब्रोगली ने देखा कि भैया लाइट के दो दो नेचर है, पहला नेचर तो बता दिया वेव, वेव कहां कहां से दिखता है भैया, डिफ्रैक्शन पोलराइजेशन इंटरफेरेंस, ये सब क्या है, वेव नेचर है। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कम्प्टन इफेक्ट ये सब क्या है भैया, पार्टिकल नेचर है। लाइट के पास दोनों नेचर है, वेव का भी और पार्टिकल का भी। तो उन्होंने बोला भैया कि नेचर लव सिमेट्री, अगर लाइट के पास दो नेचर है तो पार्टिकल के पास भी क्या होना चाहिए, दो नेचर होने चाहिए, ठीक है। लाइट का भी वेव होगी और लाइट भी क्या होगी, पार्टिकल, लाइट तो पार्टिकल है, सॉरी पार्टिकल तो पार्टिकल है ही, वेव का भी नेचर होना चाहिए उसके अंदर, समझ गया। तो देखते हैं इस वाले टॉपिक में, लिखिए डी ब्रोगली पुट द हाइपोथेसिस दैट that material particle in motion should display wave like property. मटेरियल पार्टिकल शुड डिस्प्ले वेव लाइक प्रॉपर्टी, ठीक है। अगली लाइन से लिखो, हिज रीजनिंग वाज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग टू कंसिडरेशन। पहली, फर्स्ट, उन्होंने दो आधार पर बोला, पहला तो नेचर लव सिमेट्री और एक आइंस्टीन की इक्वेशन थी E=mc², ठीक है। ये दो आधार थे जिसपे उन्होंने बोला कि पार्टिकल के पास भी क्या होता है, वेव नेचर होता है, समझ गया। तो लिखिए, फर्स्ट द टू फिजिकल क्वांटिटीज which governs all the form of physical universe, which governs all the form of physical universe, govern मतलब संचालित करना, govern all the form of physical universe, all the form of physical universe आर मास एंड एनर्जी, कह रहा भैया इस ब्रह्मांड को चलाने के लिए, अगर हम फिजिकल की बात करें, जिनको हम देख सकते हैं, जिनको महसूस कर सकते हैं, वो दो ही चीजें, या तो क्या होगा मास, या क्या होगा जो हमारा फिजिकल वर्ल्ड है, वो इन्हीं दोनों चीजों से मिलकर बना हुआ। ये केवल 5% आपको बता दो, 95% ऐसा मटेरियल जिसको आप इंट्रैक्ट नहीं कर पाते, ठीक है, जिसमें से 20% के आसपास क्या है भैया,
डार्क मैटर है और 75% के आसपास है डार्क एनर्जी। ठीक है, चलो समझ गए। देखिए अगला द आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशनशिप। हाँ, इसी में, ये बी नहीं है, बी नहीं है, ये उसी में ही चल रहा है। द आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशनशिप, द आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशनशिप। अगला आंसर लिखना इक्वल्स टू एमसी स्क्वायर। अगला आंसर लिखना इक्वल्स टू एमसी स्क्वायर, इक्वल्स टू एमसी स्क्वायर। इसके नीचे लिखना रिलेशन क्या है। अच्छा, इस रिलेशन से क्या पता लग रहा है आपको? एनर्जी जो है मास लाइट के स्पीड पे स्प्रेड हुई। मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, और एनर्जी क्या होती है? मास में कन्वर्ट हो सकता है, यानी एक दूसरे में क्या है, सिमेट्री है इनकी। एनर्जी अगर मास में कन्वर्ट हो रही है तो मास क्या हो सकता है? अभी हाल फिलहाल में एक थ्योरी आई है, ठीक है, वेब वेब ड्राइव नाम से, एक वो मतलब कहने का आपने को नहीं पता होगा शायद, ठीक है, एक वो है मतलब कि अंतरिक्ष यान, एक तरह से समझो स्पेसशिप है, जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी, उसको चलाने के लिए एक फ्यूल चाहिए जिसको कहते हैं ब्लैक होल। ठीक है, ब्लैक, सुन लो, वेब ड्राइव का एक बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है कि आगे के स्पेस को कंप्रेस करके पीछे धकेल देता है, तो जो प्लान, वो जो आपका स्पेसशिप है ना, वो अपने आप ही आगे आगे, आगे स्पेस में निकल जाएगा, वो एक्चुअल में अपनी जगह पे रहेगा। ये मतलब ये फोन अपनी जगह पर है, लेकिन फिर भी क्या होगा, ये चलेगा बहुत तेज। अब ये सोचो कैसे, तो इसके आगे ना एक ब्लैक होल लगा होगा। ब्लैक होल क्या करता है, स्पेस को क्या करता है, कंप्रेस कर देता है। कंप्रेस करके इधर की साइड से क्या करेगा, अगर व्हाइट होल का एग्जिस्टेंस है तभी ये कंसेप्ट आगे काम कर पाएगा। व्हाइट होल होता है जो अपने अंदर किसी भी चीज को नहीं लेता, सबको बाहर फेंकता है, और ब्लैक होल होता है जो अपने अंदर सारी चीजों को खींच लेता है। ठीक है भैया, तो इधर से स्पेस को खींचेगा और व्हाइट होल इधर से क्या करेगा, फेंक देगा। तो बॉडी जो है ना, आपका फोन जो है ना, अपने आप ही क्या होगा, अलग जगह पे पहुंच जाएगा। ये है स्टेशनरी, बस स्पेस को ही हटा दे रही है अपने आगे से। ठीक है, इसके लिए ब्लैक होल चाहिए। अब ये ब्लैक होल कहां से है, तो हमारे बस की तो है नहीं। तो इसी रिलेशन से, इक्वल्स टू एमसी स्क्वायर से, आइंस्टीन के रिलेशन से बोला गया कि अगर सूरज की चारों ओर मिरर लगा दिए जाए, मतलब बहुत बड़े बड़े मिरर लगा दिए जाए, और सबका फोकस एक सिंगल पॉइंट पर हो, तो सूरज से आने वाली किरण क्या है, एनर्जी है। और अगर ये रिलेशन सही होगा तो सारी एनर्जी कुछ साल बाद क्या होगी, एक ही पॉइंट पर पड़ते पड़ते क्या होगी, वहां पर क्या क्रिएट हो जाएगा, एक ब्लैक होल। समझ गया? तो यहां से कंसेप्ट आया, मतलब वेब ड्राइव तो पहले आई थी, मतलब ब्लैक होल कैसे बना जाए, तो यहां से आया, मतलब इक्वल्स टू एमसी स्क्वायर। एनर्जी से हम क्या बना रहे हैं, मास बना रहे हैं। ब्लैक होल क्या है, मास है। समझ गया, समझ गया? तो लिखिए इसके नीचे लिखना, दूसरा नहीं चल रहा है, दूसरा क्यों डाल दिया आपने, पहले ही चल रहा है अभी ये। ठीक है, इक्वल्स टू एमसी स्क्वायर लिख दिया। अगला लिखना, शोज दैट देयर इज अ कंप्लीट इक्विवेलेंस, शोज दैट देयर इज अ कंप्लीट इक्विवेलेंस, देयर इज अ कंप्लीट इक्विवेलेंस, इन बिटवीन मास एंड मैटर, और सॉरी, मास एंड एनर्जी, मास एंड एनर्जी। इसका मतलब है इक्विवेलेंस, मतलब सोचते हो कि मास एनर्जी में, एनर्जी मास के बराबर होती है। समझ गया? तो पहला ही हो गया, इक्विवेलेंस हो गया। इसका मतलब ये होता है, इक्विवेलेंस का इक्वल मतलब होता है तो एक साइड है, इक्विवेलेंस का मतलब होता है कि वो दोनों आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं एक दूसरे को। ठीक है, चलो सेकंड लिखिए, नेचर लव सिमेट्री, नेचर लव सिमेट्री, नेचर लव्स सिमेट्री। सिंस रेडिएशन हैज ड्यूअल नेचर, सिंस रेडिएशन हैज ड्यूअल नेचर, कोमा, देयर फोर कोमा, देयर फोर कोमा, फ्रॉम सिमेट्री कंसिडरेशन, फ्रॉम सिमेट्री कंसिडरेशन,
फ्रॉम सिमेट्री कंसिडरेशन. डी ब्रोगली प्रेडिक्ट, डी ब्रोगली प्रेडिक्ट दैट मैटर मस्ट बी ऑल्सो पोजेस, दैट मैटर मस्ट बी ऑल्सो पोजेस ऑल्सो पोजेस ड्यूअल नेचर, ड्यूअल नेचर. समझ गया? तो कह रहा भैया कि नेचर लव सिमेट्री, तो इस हिसाब से भी क्या होना चाहिए भैया, अगर लाइट के पास दो दो नेचर है तो मैटर के पास भी क्या होना चाहिए. ठीक है भैया, अगला टॉपिक डालिए इसी में. कैलकुलेशन ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ, कैलकुलेशन ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ, कैलकुलेशन ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ. कैलकुलेशन ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ देखिए, तो भैया वी नो इक्वल्स टू क्या होता है एम स्क्वायर, एंड इक्वल्स टू क्या होता है एच न्यू. फ्रॉम फर्स्ट हैंड टू सेकेंड इक्वेशन एम सी स्क्वायर इक्वल्स में क्या हुआ एच न्यू, एम सी सी इक्वल्स में क्या हुआ एच न्यू. ठीक है, एच न्यू हो गया, एम सी क्या हो गया मोमेंटम होता है एच न्यू. ठीक है, तो पी मोमेंटम और ये क्या हुआ एच न्यू अपॉन में क्या हो गया सी, कोई दिक्कत तो नहीं है. अब देखिए हमको पता है लैम्डा इक्वल्स में क्या होता है सी अपॉन में न्यू होता है, क्या होता है देन न्यू अपॉन में सी क्या होगा वन बाय में लैम्डा, यही तो होगा. हमने क्या किया न्यू अपॉन में सी को क्या लिख दिया लैम्डा, क्या लिख दिया लैम्डा, तो लैम्डा क्या हो जाएगा आपका एच अपॉन में भी, दैट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ. फॉर पार्टिकल, फॉर अगर मैं पार्टिकल की बात करूं तो ये क्या होगा पी क्या होगा एम वी के बराबर होगा, किसके बराबर होगा तो देन एच अपॉन में एम वी. एंड फॉर, एंड फॉर लाइट, लाइट और वेव जो आपका वी होगा वो किसके बराबर होगा सी के, तो देन यही लैम्डा क्या हो जाएगा आपका एच अपॉन में एम इंटू में सी, बाकी मेन इक्वेशन ही है. समझ गया भैया, जल्दी कॉपी करो, लिखी भी हो गया. फ्रॉम डी ब्रोगली इक्वेशन, इसके नीचे लिखना फ्रॉम डी ब्रोगली इक्वेशन, फ्रॉम डी ब्रोगली इक्वेशन वी फाइंड दैट, फ्रॉम डी ब्रोगली इक्वेशन वी फाइंड दैट the wave of moving particle, the wave of moving particle wave of moving particle is inversely proportional to its momentum, its momentum, इट्स मोमेंटम. यानी आपका जो वेव लेंथ है वो क्या है भैया मोमेंटम का क्या है इनवर्सली है, लिख दीजिए इसके नीचे इनवर्सली, इनवर्सली भाई इक्वल क्यों बना रही है इक्वल मत बना. ठीक है, सेकंड लिखिए इसमें, पहला पॉइंट तो ये था वी फाइंड दैट पहला है वेव लेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके मोमेंटम के. दूसरा लिखिए If velocity equals to में जीरो, velocity क्या होगी अगर आपकी velocity जीरो होगी तो velocity जीरो होने का मतलब क्या है मोमेंटम जीरो, then आपका जो wavelength रहेगी वो क्या होगी इनफाइनाइट. wavelength क्या रहेगी इनफाइनाइट, मतलब एकदम स्ट्रेट रहेगा, क्या रहेगा
ऐसा शेप ऑफ वेव, शेप ऑफ वेव आपकी ये रहेगी, ठीक है भैया। वेवलेंथ इनफाइनाइट का मतलब है एकदम स्ट्रेट वेव, ठीक है, समझा। स्ट्रेट वेव का मतलब ये भी नहीं है, वेव का मतलब क्या होता है, क्रस्ट और ट्रफ बने, यहां पर क्रस्ट और ट्रफ नहीं बन रहे। लिखिए नीचे, लिखिए, हो गए, इसी में लिखिए। दिस इंप्लाइज दैट वेव्स आर एसोसिएट, हाँ इसी में लिखना, दिस इंप्लाइज दैट वेव्स आर एसोसिएटेड विद, एसोसिएटेड विद मटेरियल पार्टिकल, व्हेन दे आर इन मोशन, कह रहा है ये वेव जब भी बनेगी, अब वेलोसिटी जीरो है तो वेव ही नहीं बन रही, क्रस्ट और ट्रफ ही नहीं बन रहे, फ्लैट है। वेव जब भी बनेगी जब मटेरियल पार्टिकल क्या हो, मोशन में, रेस्ट में नहीं आएगी। अगले लिखिए, टू बी एसोसिएटेड विद अ डीप रोगली, टू बी एसोसिएटेड विद द डीप रोगली वेव्स, मतलब डीप रोगली वेव बनने के लिए, वेव कोमा अ पार्टिकल नीड नॉट एनी, अ पार्टिकल नीड नॉट हैव अ चार्ज, नीड नॉट हैव अ चार्ज, मतलब ये जरूरी नहीं है कि पार्टिकल के ऊपर क्या हो, चार्ज हो। चार्जलेस पार्टिकल भी नॉर्मली क्या होगा, आपका डीप रोगली वेव बनाएगा। दैट्स वाई डीप रोगली वेव, दैट्स वाई डीप रोगली वेव वेव्स आर ऑल्सो नोन एज मैटर वेव, आपको पता है भैया डीप रोगली वेव्स मैटर वेव से, मैटर से बनती है, और मैटर के पास मास जरूरी है, चार्ज जरूरी, तो इसलिए इनको क्या कहते हैं भैया, मैटर वेव कहते हैं। अगला पॉइंट लिखिए, लास्ट फोर्थ पॉइंट देखो, डीप रोगली वेव्स कैन नॉट बी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, कैन नॉट बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। हेलो, राम राम, कौन? हाँ बोल भाई, कहाँ पे? अभी तो बता दो, मैं कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। डीप रोगली वेव्स कैन नॉट बी एसोसिएटेड, सॉरी, अच्छा, डीप रोगली वेव्स कैन नॉट बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ओनली ओनली एसोसिएटेड विद एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, कह रहा भैया कि जो डीप ब्रोगली वेव है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर की नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर को होने के लिए क्या होना चाहिए, चार्ज पार्टिकल का, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहां से बनती है, चार्ज पार्टिकल से, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर की नहीं हो सकती, क्योंकि ये किससे आती है, नॉर्मल मैटर से जिसके ऊपर कोई चार्ज। लिखिए भैया, डीप ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ डीप ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, डीप रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन
ये मेटल प्लेट है, ये हमने क्या किया पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया इसके क्रॉस में, ठीक है। अब इस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते इधर क्या होगा प्लस, इधर क्या होगा माइनस, ये क्या होगा एक्सेलरेट करेगा इधर, करेगा ना इधर, ठीक है। इसका पोटेंशियल क्या है, वी है, क्या है वी है, ठीक है। इसके ऊपर चार्ज क्या है, ई है, तो इसको खींचने वाली जो एनर्जी रहेगी वो क्या होगी, ईवी रहेगी, बोलो। हाँ देखिए जिस एनर्जी से खींच के आएगा वो क्या होगा, देखिए इसके ऊपर चार्ज कितना है ई और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वी, तो इसके पास जो एनर्जी आई है वो किसके बराबर, ईवी के बराबर, और ये ईवी किसके बराबर होगी, हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर। क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन ऐसे रखा होता तो उसके ऊपर कोई एनर्जी नहीं आती, एनर्जी नहीं आती तो चलना चालू नहीं करता। यानी ये एनर्जी आई, ये एनर्जी क्यों आई, क्योंकि पोटेंशियल में रखा था इस चार्ज को, तो ये एनर्जी आई और इस एनर्जी की वजह से चार्ज पार्टिकल क्या हुआ, मूव करना चालू कर गया, ठीक है। मूव करना चालू कर गया तो ईवी कोस में क्या हुआ, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा ई वी और टू क्या हुआ एम वी स्क्वायर। तो भैया एक काम करो, टू ई और ये क्या हुआ वी, और ये क्या हो गया आपका अपॉन में क्या हो जाएगा आपका, ये एक काम करो इसको लिख दो ऐसा, एम इधर ले आओ, तो ये वी की वैल्यू आ गई, ये वेलोसिटी की वैल्यू आ गई, ये पोटेंशियल वाला भी है और ये क्या है वेलोसिटी वाला भी है। देन आपको पता है डी ब्रोगली वेलोन क्या होता है, लैम्डा इक्वल्स टू में एच अपॉन में, एच अपॉन में क्या होता है एम वी, क्या होता है। देखिए वी इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि भैया आपका पार्टिकल मूव कर रहा है, पार्टिकल कभी लाइट की स्पीड को अचीव नहीं कर सकता, इसलिए वी लिया। एच अपॉन में एम, वी की वैल्यू क्या रखी है फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन वी की वैल्यू क्या रखी है अंडर रूट टू ई पोटेंशियल वाला वी अपॉन में मास, ठीक है। तो इसको लिख देंगे लैम्डा इक्वल्स में क्या होगा एच, ये एम अंदर जाएगा इसके अंदर तो क्या होगा एम स्क्वायर हो जाएगा, टू ई वी और ये क्या होगा एम स्क्वायर अपॉन में एम, एम से एम क्या होगा कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये क्या हुआ लैम्डा इक्वल्स में क्या हुआ एच अपॉन में अंडर रूट टू ई वी। अगर मैं बात करूं तो यहां पर इसको ऐसे लिख दूंगा एच अंडर रूट में टू ई एम अंडर रूट में कैपिटल बी, ये हो गया। ये अलग क्यों लिखा, क्योंकि एच क्या है कॉन्स्टेंट है, दो क्या है कॉन्स्टेंट है, ई क्या है कॉन्स्टेंट है, एम क्या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो भी क्या है कॉन्स्टेंट है, केवल पोटेंशियल आप यहां पर बदलोगे तो इसकी सारा मामला क्या होगा बदल जाएगा। पोटेंशियल बदलोगे तो ये एनर्जी बदलेगी, ये एनर्जी बदलेगी तो ये बदलेगा, इसकी वेलोसिटी क्या होगी बदल जाएगी, वेव क्या होगी अलग तरीके से आएगी, समझ गए। तो भैया ये जब इस सारी वैल्यू को रखा जाता है तो लैम्डा की वैल्यू क्या आती है, लैम्डा इक्वल्स टू में इसको सॉल्व करोगे तो 12.26 एंगस्ट्रॉम अपॉन में अंडर रूट वी। ये आप केवल इलेक्ट्रॉन के लिए यूज कर सकते हो, ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि टॉपिक का नाम ही आपका क्या भैया डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन, समझ गए भैया कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए डी ब्रोगली वेव वेव इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, वैसे ये है नहीं सिलेबस में, कराओ नहीं कराओ, चलो कोई नहीं छोड़ सकता, चलो वैसे करा दूंगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो फटाफट कॉपी कर लीजिए, ऑनलाइन वाले आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, टाटा बाय बाय, जय हिंद। बी के नीचे सिंपल लगा रहे हैं बी कुमार रहते हैं।